हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं इंडियन एफएस गेमर। अगर पिछले में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक गेमिंग माउस के बारे में, उसका रिव्यू दूंगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा मैं। जो कल ही एक माउस लेके आया हूँ जो लॉजिटेक की तरफ से आता है, G402। तो ये माउस कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और क्या बोलते हैं जो नॉर्मल माउस होते हैं और गेमिंग माउस में फ़र्क क्या होता है, ये सब बातों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मेरे दोस्तों के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो चलो यार, ये है अपना लॉजिटेक का G402 का बॉक्स जो कि मैंने पहले से अनबॉक्स कर रखा है। ये आप लोगों के लिए फिर से मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। पैकेजिंग तो काफ़ी छोटी सी है, इसका डब्बा तो छोटा सा ही है, बट ठीक है, अब इसमें माउस आ जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो भाई निकाल लेते हैं अपना माउस। ये इसके साथ कुछ पेपर है, पता नहीं किस चीज़ का पेपर है, इसको भी देखेंगे अभी। पहले माउस रख देते हैं साइड में, पेपर देख लेते हैं। इसमें पता नहीं चाइनीज़ भाषा में लिखा है, कुछ इंग्लिश में लिखा है, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में लिखा है। इसे रख देते हैं हम साइड, जो कि किसी काम का नहीं है हमारे। फिर आते हैं माउस पे, माउस को देख लेते हैं भाई। क्या भाई प्रीमियम, यही वही बात होती है, जब पैसा तुम खर्च करते हो ना, जब 2300 रुपये तुम खर्च कर रहे हो तो तुम्हें प्रीमियम चीज़ तो मिलेगी। बस ये ब्रेडेड केबल और दे देते ना यहाँ, तो अलग ही बात हो जाती। खैर अब ब्रेडेड केबल नहीं दी तो क्या कर सकते हैं। तो और इसके साथ हमें मिलता है लॉजिटेक का ये एक, जिसमें लिखा है कीप प्लेइंग फलाना ढिमकाना ना, पता नहीं क्या लिखा है। इसे हम साइड में रख देते हैं, logitech.com। और ये साइड में, हाँ इसके साथ एक स्टिकर और आया था जो मैंने दीवार पर चिपका दिया। ये अपना इसका मैनुअल है, इसमें दे रखा है कि ये कैसे कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह। ये बिल है इसका, संभाल के रखना, 2 साल की वारंटी आती है इसके साथ। इसलिए मैंने तो ये देखो नेहरू प्लेस से लिया था यार, और देखो बिल्ड क्वालिटी पे आओ तुम यार, कितना देखने में ही क्या ही शानदार सा लग रहा है। मतलब तुम बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो, बटन देख रहे हो तुम, इसमें पीछे से कुछ ऐसा दिखता है ये, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही लगी मेरे को इसकी। बटन प्रेस करने हो या कुछ भी हो तो बहुत क्लिकी क्लिकी साउंड आती है ना, जो बहुत सही लगती है गेमिंग के टाइम, वो चीज़ है इसमें। तो ये कुछ ऐसा दिखता है अपना माउस, जब इसमें लाइट वाइट जल जाती है, जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे ही कुछ दिखती है। और ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसका जो एक सॉफ्टवेयर आता है उसकी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो सब कुछ इसमें। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे क्या कैसे चेंज होगा, कैसे इसकी लाइट चेंज होगी, सब मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी ये इन हैंड फील तो भाई बहुत ही सही देता है, बहुत सही फील देता है। मेरा पुराना माउस था उससे तो बहुत ही बेटर इसकी फील मेरे को लगी है, क्योंकि इसमें जो अपना 32 बिट का ARM प्रोसेसर आता है जो कि एक गेमिंग ग्रेड सेंसर है, वैसा जो है वो उसमें नहीं आता था जो मैं जेब्रोनिक्स का 500 रुपल्ली का यूज़ करता था, उसमें कुछ भी नहीं आता था। इसमें जो है वो एक और चीज़ है कि एक्यूरेसी इसमें बहुत सही है। अब आप ये पूछोगे कि भाई तूने लॉजिटेक 102 क्यों नहीं लिया, वो तो 1200 1300 या 1400 रुपये का आ जाता है, ऑनलाइन 1600 रुपये का है समथिंग, ये 2300 रुपये का ही क्यों G02 लिया, जबकि ये तो क्या बोलते हैं पुराना हो चुका है और वो नया है। भाई देखो मैंने उसका रिव्यूज़ देखा था, मेरे को वो पसंद आया, नो डाउट वो बहुत सही माउस है, और जबकि इससे ज़्यादा DPI है उसकी, 8000 DPI है और इसकी 4000 DPI है। मैंने वो इसलिए लिया क्योंकि देखो उसमें डबल क्लिक का बहुत ज़्यादा इशू है, मैंने रिव्यूज़ में देखा था उसमें डबल क्लिक का इशूज़ आता ही है। तो यार 3-4 महीने या 6 महीने बाद अगर वो डबल क्लिक का इशू है, मैं रिप्लेसमेंट कराता रुक रहा तो वो चीज़ एक हसल बन जाती है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये सब चीज़ें बने, और एक पीस ऑफ माइंड रहता है यार, जब एक अच्छा प्रोडक्ट लेते हो ना आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के, तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ भाई कि चलो हमने लिया है, कम से कम इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेरे को बार बार सर्विस सेंटर नहीं घूमना पड़ेगा। इसी कारणों के वर्ष मैंने ये 402 लिया, 102 नहीं लिया। बाकी वो बहुत सही माउस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिस प्राइस पॉइंट पे अपना G102 आता है ना लॉजिटेक की तरफ से, वो जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को। वो जो मतलब इतने सस्ते में जो आपको गेमिंग माउस दे दे रहा है ना, मतलब आप एंड जो एंड ई स्पोर्ट का लेते हैं उन सबसे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भाई देखो इसमें एक लॉजिटेक एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है, इनके साथ का बजट जा सकता है 2300-2400 रुपये तक का, तो आप ये G402 आराम से लो और भाई इसमें मज़ा आएगा ही आएगा। एक तो इसकी शेप इतनी बढ़िया है कि इन हैंड फील तो बहुत ही प्यारी है, क्योंकि देखो 102 है वो एकदम नॉर्मल माउस जैसा दिखता है, ये ऐसा नहीं है। इसमें जब आप हाथ रखते हो तो आपको लगता है कि हाँ आपने एक गेमिंग माउस पर हाथ रखा है, क्योंकि ये इसका शेप ही कुछ ऐसा बना है G502, और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है बॉडी शेप में, दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं। और G502 भगवान है भाई, चीखें निकलती हैं जब वो चलता है, चीखें। खैर G502 तो अलग ही एक लेजेंड माउस है, उसकी तो हम बात कभी और करेंगे, का आप कहोगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। तो देखो इसमें आपको 8 प्रोग्रामेबल बटन मिल जाते हैं जो सारे के सारे काम करते हैं, और वो आप चेंज और असाइन करते हो, अलग अलग बटन को अलग अलग आप चीज़ असाइन करते हो। ऐसा नहीं है कि जो DPI प्लस के लिए बटन है वो प्लस के लिए दबेगा, वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो कि DPI प्लस को आपको उस बटन में रखना है तो वो उस बटन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो इसमें। अब बात आ जाती है कि इसमें जो LED लाइट है वो RGB है कि क्या है। देखो वो जो इसमें लाइट है वो RGB नहीं है, वो एक ब्लू कलर की LED लाइट है। वो उसमें ये है कि आप देखो चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो
उसका इफेक्ट चेंज कर सकते हो। इफेक्ट में दो ही इफेक्ट है, एक तो या तो कांस्टेंट रख लो इसे, या फिर आप इसे साइकिल में रख लो, ब्राइट हाई होगी फिर लो होगी, ऐसे मतलब जो साइकिल होती है वैसे में रख सकते हो, और एक कांस्टेंट रख सकते हो और इसकी ब्राइटनेस का लेवल चेंज कर सकते हो। इतना आप कर सकते हो। इसमें दो जगह लाइट जलती है, एक तो वो जी सा है जो, और एक इसमें तीन जो साइड में माउस के नीचे की साइड है वो इसकी ग्लो करती है बस, और बाकी इसमें RGB RGB कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको RGB RGB चाहिए तो भाई G102 की तरफ आप जा सकते हो, और आपका बजट ज़्यादा है 4,500 तक के, तो आप G502 हीरो पे जाओ भाई, द लेजेंड माउस मतलब उस पर आप जा सकते हो। बाकी अगर आप लेना चाहते हो 2300 तक का आपका बजट है 2400 तक का, तो ये आप आराम से ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन माउस है, अलग ही मज़ा आएगा। देखो मैं ₹500 का माउस यूज़ करता था, मैं इस पर आया हूँ ना तो मेरे को पता लगा कि हाँ भाई गेमिंग माउस क्या चीज़ होती है। नहीं तो मैं पहले सोचता था क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करने हैं, ₹1,000-2,000 माउस के लिए, ₹500 का भी तो वही काम करेगा। नहीं भाई वही काम नहीं करता। जब आप गेम खेलते हो, FPS गेम खेलते हो स्पेशली, तब आपको फ़र्क दिखता है वो चीज़। तो अगर आपका बजट है 2300 तक का, तो ये आराम से जा सकते हो, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, बिल्कुल आप सकते हो। और अगर आपका बजट बहुत टाइट है ना, तो मैं कहूँगा G102 पे आप चले जाओ, ₹1,200-1,400 तक का आपको मिल जाएगा ऑफलाइन स्टोर पे, और ऑनलाइन अभी मेरे ख्याल से 1,600 समथिंग का चल रहा है। तो चलिए यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम आपको ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।